हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेटलर्जी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और रिडक्शन ऑफ आयरन जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ब्लास्ट फर्नेस की। चलिए डिस्कस करते हैं ब्लास्ट फर्नेस। देखें, ब्लास्ट फर्नेस जो है वो 60-70 मीटर ऊँचा होता है, ठीक है ना? कितना? 60-70 मीटर ऊँचा होता है और ये इस तरीके का इसका शेप होता है। ब्लास्ट फर्नेस का, ठीक है? यहाँ पे हॉट एयर पास करने की जगह होती है। हॉट एयर, गर्म हवा के झोंके, हॉट एयर ब्लास्ट इसके अंदर दिए जाते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या है? ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है ना? ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि इसमें दिए जाते हैं क्या? गर्म हवा के झोंके। और यहां से हॉट एयर फ्यूल की फॉर्म में दी जाती है। किसकी फॉर्म में? फ्यूल की फॉर्म में। जहां से भी फ्यूल पास किया जाता है उसको ट्यूयर्स जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं? ट्यूयर्स जोन बोलते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं। ये इसको पैक करने का ढक्कन हो गया इसका, ठीक है? यहाँ से एक एग्जॉस्ट हो गया इसका, क्योंकि गैसेस जो निकालेंगे उसके लिए, ठीक है ना? CO और CO2 यहाँ से गैस निकलती है। अभी समझते हैं एक एक चीज आराम से। देखो भाई, ब्लास्ट फर्नेस से 60-70 मीटर ऊंचा होता है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ से इनपुट दिया जाता है, उसको बोलते हैं थ्रोट। क्या बोलते हैं? थ्रोट। बीच वाला पार्ट जहां पे रिएक्शन की जाती है उसको बोलते हैं बेली। क्या बोलते हैं? बेली। और लास्ट नीचे वाला पार्ट, तल, सतह, जिसको बोलते हैं हर्थ। क्या बोलते हैं? हर्थ। तो इस तरीके से तीन पार्ट होते हैं, जहां से इनपुट दिया जाता है, जहां पे रिएक्शन की जाती है, और एक नीचे सरफेस तल जिसको बोलते हैं हर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हर्थ। देखें यहां पे सबसे पहले समझना कि हम इसके अंदर इसमें इनपुट जो देते हैं जिसको अपन बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज। चार्ज इनपुट जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं इस जगह, चार्ज मतलब इनपुट। इनपुट में हेमेटाइट Fe2O3 रहता है, साथ में कोक होता है, कार्बन और लाइमस्टोन। एक एक का यूज है, अच्छे से समझना भाई, ठीक है? एक तो चार्ज किया किससे? Fe2O3। एक अपन ने इसमें कार्बन डाला, फ्यूल की फॉर्म में बर्न होगा और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट है, और एक लाइमस्टोन लिया, ठीक? तो ध्यान दें कि ऊपर से कार्बन आता है और नीचे से हॉट एयर जाती है। तो कार्बन बर्न होता है। कार्बन बर्न होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले बनाता है क्या? CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? CO2, ठीक है ना? ये CO2 जैसे ही बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हो जाता है और प्रोसेस हो जाता है कौन सा? एक्सोथर्मिक। प्रोसेस कौन सा हो जाता है? एक्सोथर्मिक। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और सिस्टम का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हाई टेम्परेचर पे किसका बनना स्पॉन्टेनियस है? CO का बनना स्पॉन्टेनियस है। तो CO2 कार्बन से रिएक्शन करके CO बना लेती है। और जब अपन नेट रिएक्शन की बात करते हैं तो नेट रिएक्शन क्या होती है के क्या होगा यहां पे? 2 कार्बन, ठीक है ना? 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और 2 CO का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस तरीके से जो भी रिएक्शन हुई है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा एच इस रिएक्शन का नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। वैसे तो CO का बनना एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच इस रिएक्शन का पॉजिटिव है, पर ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ये ऊपर वाली जो रिएक्शन दिख रही है ये इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि इस वाली रिएक्शन के एंडोथर्मिक होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब मोड अगर निकाले अपन, मॉडुलस निकाले, तो इस वाले का मॉडुलस, इसके जो वैल्यू आएगी, है ना, अगर अपन साइन को हटा दें तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहां पे टेम्परेचर लगभग जो है, यहां पे जो टेम्परेचर है वो लगभग
1800 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। कितना होता है? 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। यहां पे कार्बन बर्न हुआ है, इस वजह से इस जोन को कंबशन जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं? कंबशन जोन बोलते हैं, क्योंकि यहां पे कंबशन हुआ है। अब समझे, यहां से हाई टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, कार्बन मोनो ऊपर की तरफ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर से आते हुए Fe2O3 का रिडक्शन शुरू से करना चालू कर देगी, तो रिएक्शन 400 डिग्री सेंटीग्रेड से चालू हो जाएगी। समझना, देखो जैसे जैसे आप इस कंबशन जोन से दूर जाते जाओगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, तो Fe2O3 का रिएक्शन चालू हो जाएगी। Fe2O3 का पहले सॉलिड है बेटा, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करेगा, तो ये जाएगा Fe3O4 के अंदर, और Fe3O4 का मतलब Fe0.Fe2O3, ठीक है, और साथ में बन जाएगा क्या अपने पास, CO2 गैस, उड़ती जाएगी ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, एक मिनट समझना, पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर Fe3O4 CO के साथ रिएक्शन करेगा, टेम्परेचर बढ़ गया 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, तो बन जाएगा FeO, FeO नीचे आता जा रहा है ना, ऊपर भाई Fe2O3 सॉलिड पार्टिकल है ना, नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी खींचेगी, और CO क्या है, गैस है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, FeO बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा, CO2। अब 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है, तो FeO जो है कुछ तो CO से रिड्यूस होके Fe प्लस CO2 बना देगा। Fe का मेल्टिंग पॉइंट 1503 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए अभी जो Fe मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा, कुछ FeO जो है वो कार्बन से भी रिड्यूस होगा 800 के आसपास, क्योंकि इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है 710। अपन जो ये एलिंगम डायग्राम पढ़ते हैं ना बेटा, उसमें ये जो पॉइंट आता है ये 710 डिग्री सेंटीग्रेड का आता है, तो इससे पहले अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके बाद में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन, ठीक है ना, तो ये कार्बन रिएक्शन करेगा और बन जाएगा Fe सॉलिड, और साथ में कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर आएगी, वो रिडक्शन करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से मेजर मेजर रिडक्शन हो जाएगा, और इसीलिए इस जोन को बोलते हैं रिडक्शन जोन। कौन सा जोन बोलते हैं? रिडक्शन जोन बोलते हैं। अब आ जाओ नीचे, इसके बाद में लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जोन आता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जोन आता है, जिसके अंदर पहले कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है और चला जाता है किसमें, CaO प्लस CO2 के अंदर, और Fe2O3 में इम्प्यूरिटी होती है SiO2 की, और इसी वजह से अपन उसके अंदर लाइम स्टोन डालते हैं। लाइम स्टोन जो है हीट करने पे CaO देता है, CaO बेसिक फ्लक्स है जो कि SiO2 इम्प्यूरिटी, एसिडिक इम्प्यूरिटी से रिएक्शन करके CaSiO3 स्लेग का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये स्लेग हल्के होते हैं, तैरते रहते हैं, इसलिए इस वाले जोन को क्या बोला मैंने, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वाले जोन को क्या बोलते हैं, स्लेग फॉर्मेशन जोन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, कौन सा वाला, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, यहां पे आयरन सॉलिड कन्वर्ट हुआ है किसमें, आयरन लिक्विड में, क्योंकि अभी मैंने बोला था 1503 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो सॉलिड स्टेट से फ्यूज्ड स्टेट में चला जाता है, इस जैसे इस वाले जोन को फ्यूजन जोन बोलते हैं। इस तरीके से रिएक्शन के बेसिस पे चार जोन होते हैं, पहला रिडक्शन, उसके बाद में स्लेग फॉर्मेशन, फ्यूजन और कंबशन। फिर से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, जब अपन चार्ज करते हैं कार्बन आता है, कार्बन बर्न होता है, कार्बन बर्न होता है तो पहले CO2 बनता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हाई टेम्परेचर पे किसका बनना स्पॉन्टेनियस है, CO का बनना स्पॉन्टेनियस है, तो CO गैस बनती है, ऊपर की तरफ उड़ती है, ऊपर से आते हुए Fe2O3 का रिडक्शन करना चालू कर देती है, मेजर रिडक्शन ऊपर ही हो जाता है, लो टेम्परेचर जोन में हो जाता है, तो Fe2O3 देखें अब यहां पे समझना, Fe2O3 मतलब सब जगह Fe2O3 है ये, और Fe2O3, ठीक है बेटा, Fe2O3।
अब Fe2O3 का क्या हुआ, पहले सरफेस रिडक्शन हुआ, तो सरफेस वाला तो Fe2O3 चला गया FeO में, और अंदर बचा हुआ है अभी भी क्या, Fe2O3, ठीक है ना। अब फिर रिडक्शन होगा तो ऊपर वाला अंदर वाला भी चला जाएगा किसमें, FeO में, तो सब जगह क्या हो गया FeO। स्टेप प्रोसेस है क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, रिडक्शन में टाइम लगेगा, फिर और रिडक्शन होगा तो बन जाएगा Fe, 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 तो मेजर कन्वर्ट हो चुका है कुछ अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में FeO बच जाता है। तो यहां से जो Fe सॉलिड होता है इसमें FeO प्रेजेंट होता है, तो वो FeO नीचे आता है, नीचे आता है तो कंबशन जोन में रिड्यूस हो जाता है, जो थोड़ा बहुत FeO बचा था वो रिड्यूस हो जाता है और बना लेता है हाई टेम्परेचर जोन में। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, कार्बन, हाई और लो टेम्परेचर जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये रिड्यूस करेगा इसको Fe लिक्विड के अंदर। यहाँ पे जो Fe मिलेगा वो लिक्विड में, और यहाँ पे जो Fe मिलेगा सॉलिड में, क्योंकि उसके मेल्टिंग पॉइंट का चक्कर है, और साथ में कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पर मेजर रिडक्शन कहाँ पे हुआ, ऊपर हुआ, इसलिए ऊपर वाले को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन जोन। उसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा, कब डिकम्पोज होगा, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होगा, तब जाके बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और वो रिएक्शन करके स्लैग बनाएगा, इसलिए इस वाले जोन को बोला स्लैग फॉर्मेशन जोन। उसके नीचे आएंगे तो Fe सॉलिड चला जाएगा Fe लिक्विड में, और उसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, फ्यूजन जोन। अब देखें यहां पे तो Fe लिक्विड नीचे की तरफ आ जाएगा और ऊपर की तरफ जो है स्लैग रहेगा। स्लैग क्या करता है, एयर से एरियल ऑक्सीडेशन, मेटल के एरियल ऑक्सीडेशन से, मेटल को एरियल ऑक्सीडेशन से बचाता है, क्योंकि अगर एयर आएगी तो वो आयरन लिक्विड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, Fe2O3 बना लेगी। इस तरीके से हमें यहाँ से हम निकाल लेते हैं Fe लिक्विड, यहाँ से स्लेग निकाल लेते हैं, Fe लिक्विड को ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर जो आयरन मिलता है उसको बोलते हैं अपन क्या, पिग आयरन, आयरन सॉलिड जो ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है, जिसमें लगभग 5% कार्बन की इम्प्यूरिटी होती है, और थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटी फॉस्फोरस की, सल्फर की, सिलिकन की, एलिमेंट्री इम्प्यूरिटी होती है, ऑक्साइड की कोई सी भी इम्प्यूरिटी ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाले आयरन में नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ब्लास्ट फर्नेस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। बाय।